नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक नए नक्शे पर चर्चा करेंगे। वास्तु के अनुसार इस नक्शे में क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं। मैंने ये नक्शा अपने यहाँ बड़ी स्क्रीन पर लगाया हुआ है और मैं इस नक्शे को बड़ी स्क्रीन से देख कर आपको एज पर वास्तु इसके अंदर कहाँ क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। बाहर से अंदर की ओर देखते हुए जो मेन गेट दिखाए गए हैं वो वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर और नॉर्थ वेस्ट कोने में दो मेन गेट दिखाए गए हैं और बाहर मेन गेट से एंट्री करने के बाद पार्किंग एरिया दिखाया गया है जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक वेस्ट का जो पूरा भाग है वो कंप्लीट ओपन दिखाया गया है। पार्किंग एरिया से अंदर आते हैं तो जो घर की अंदर की एंट्रेंस बनती है वो वेस्ट सेंटर से बनती है। घर के अंदर एंट्री करने के बाद लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ के भाग में सीटिंग एरिया प्लस टॉयलेट्स दिखाई गई है और साउथ जोन में एक बेडरूम दिखाया गया है। ये बेडरूम बिल्कुल सही है और जो टॉयलेट्स नॉर्थ में दिखाई गई है ये टॉयलेट भी आपकी बिल्कुल सही है। सीटिंग एरिया भी जो नॉर्थ जोन में दिखाया गया है ये भी आपका बिल्कुल सही है। साउथ जोन में लॉबी दिखाई गई है, लॉबी के अंदर ही स्टेयर्स दिखाई गई है। ये स्टेयर्स जो कि क्लॉकवाइज बनती है एज पर वास्तु ये बिल्कुल सही है और स्टेयर्स के साथ में ही लॉबी के अंदर डाइनिंग एरिया दिखाया गया है। ये डाइनिंग एरिया भी बिल्कुल परफेक्ट है। किचन नक्शे के हिसाब से साउथ ईस्ट के भाग में दिखाई गई है। यहाँ पर किचन वास्तु के अनुसार सबसे अच्छी मानी जाती है। जिसकी किचन घर के अंदर साउथ ईस्ट के भाग में बन जाती है उस घर के अंदर कभी भी पैसे आने की कोई दिक्कत नहीं रहती, उसके घर के अंदर पैसे आने के साधन बन जाते हैं और यहाँ पर किचन आने से घर में रहने वालों का सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि साउथ ईस्ट की दिशा को अग्नि की दिशा कहा गया है और यहाँ पर किचन आने से घर के अंदर हमेशा खुशहाली बढ़ती है, इसलिए ये किचन बिल्कुल सही है। किचन के साथ में ईस्ट के भाग में पूजा रूम दिखाया गया है, ये पूजा रूम भी बिल्कुल सही है। पूजा रूम के साथ नॉर्थ ईस्ट के भाग में दूसरा बेडरूम दिखाया गया है, ये बेडरूम भी बिल्कुल सही है। नॉर्थ ईस्ट के भाग में बेडरूम को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता लेकिन जगह कम होने के कारण और सिस्टम सही ना बनने के कारण रूम नॉर्थ ईस्ट के भाग में बना लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट के भाग में जो रूम बना रहे हैं उसमें एक दरवाज़ा रूम के नॉर्थ ईस्ट के भाग में ज़रूर लगाएं ताकि इस रूम का जो वास्तु दोष बनता है वो दोष ख़त्म हो जाए। इस रूम के साथ यानी जो नॉर्थ ईस्ट के भाग में रूम है उस रूम के साथ ड्रेसिंग एरिया दिखाया गया है जो कि नॉर्थ जोन में आता है और उसी से टॉयलेट का रास्ता दिखाया गया है, टॉयलेट दिखाई गई है। ये टॉयलेट बिल्कुल यहाँ पर सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नक्शे में फ्रंट के ओपन एरिया को और बैक साइड के ओपन एरिया को देखते हुए वेस्ट का भाग ज़्यादा खुला है और ईस्ट का भाग कम खुला है। एज पर वास्तु हमेशा ही ईस्ट का भाग ज़्यादा खुला होना चाहिए और वेस्ट का भाग कम खुला होना चाहिए। इसमें यदि पॉसिबल हो तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, आप जो आपका वेस्ट के भाग में ओपन एरिया है इसमें साउथ वेस्ट के भाग में आप एक रूम जरूर बनाएं। इससे आपका साउथ वेस्ट का भाग कवर हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना मास्टर बेडरूम बनाएंगे तो एज पर वास्तु जो घर के मालिक है, जो घर के मुखिया है इस रूम में रहेंगे तो वो हमेशा खुशहाल रहेंगे और रूम बनाने के कारण आपके घर का साउथ वेस्ट का भाग भी कवर हो जाएगा। आपके यहाँ जो ईस्ट में 4 फीट का ओपन एरिया रखा है यदि पॉसिबल हो तो इसको ओपन एरिया ज़्यादा करें। यदि आप ईस्ट के भाग में ओपन एरिया ज़्यादा नहीं कर सकते तो जो आपका वेस्ट का भाग है उसमें ओपन एरिया को कम करें। यानी बैक साइड में आपका 4 फुट का ओपन एरिया है तो वेस्ट साइड में यानी फ्रंट के भाग में आप 3 फुट का ओपन एरिया रखेंगे तो इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसमें आपको कुछ विशेष बातों का और ध्यान रखना है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप इस पर गौर जरूर कीजिए। जो आपका फ्रंट का भाग है वो बैक साइड से यानी ईस्ट के भाग से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। आप वेस्ट के भाग को ऊंचा करें और ईस्ट के भाग को नीचा करेंगे तो एज पर वास्तु बिल्कुल सही होगा। जब आप अपने इस नए घर को बनाने जा रहे हैं तो इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपको बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग का जो मटेरियल आएगा उसको आप अपने इस प्लॉट के साउथ वेस्ट के भाग में रखेंगे तो आपका यह प्लॉट
जल्दी करके बन जाएगा और बिना परेशानी के, बिना तकलीफ के आपका घर तैयार हो जाएगा। ना तो पैसे की दिक्कत आएगी और ना ही डिपार्टमेंट के लिए दिक्कत आएगी और ना ही आपको लेबर की तरफ से कोई दिक्कत आएगी। जो बात मैंने आपको कही है, आप मेरी बातों पर गौर कीजिए, विचार कीजिए। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक बार वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर को जरूर बनाएं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।